Tertiary halogenoalkanes undergo SN1 reactions, where S indicates a substitution reaction is occurring, N indicates that a nucleophile is involved, and 1 indicates that only one species is involved in the slowest rate determining step. In tertiary halogenoalkanes, the small hydrogen atoms in primary halogenoalkanes are replaced by bulkier alkyl groups. The bulky alkyl groups do not allow attacking species to approach the central carbon atom. Consider the reaction between 2-methyl-2-bromopropane and a hydroxide ion. It has a two-step enthalpy profile. The first step, the heterolytic fission of the carbon-bromine bond, has a high activation energy, Ea1, and therefore determines the rate of the reaction. The first step involves only the halogenoalkane and proceeds via a transition state complex to form a carbocation. The second step has a much lower activation energy, Ea2, and hence is considerably faster than the first step. The carbocation reacts with the nucleophilic hydroxide ion via a second transition state to form the product 2-methylpropan-2-ol. Transition state, carbocation, Ea2. SN1 reactions. तो अभी आप लोगों ने SN1 रिएक्शन का एनिमेशन देखा होगा और बहुत बढ़िया एनिमेशन था ये. तो अब हम लोग जो है SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में और उन सब फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग SN1, SN2 और SNI मैकेनिज्म का डिस्कशन करेंगे. तो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में आपके ये तीन फैक्टर मेनली मतलब जो SN1 रिएक्शन में डिटरमाइन करेंगे, जैसे काइनेटिक्स क्या होती है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रीअरेंज प्रोडक्ट्स और नो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट एट ब्रिज एट कार्बन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन. ठीक है, और इसमें फिर कई सारे फैक्टर्स का हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स SN1 रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन इंक्रीज करने में इफेक्ट करते हैं. ठीक है, ये सारे हमें SN1 रिएक्शन में डिस्कस करना है और इस पर बेस कुछ क्वेश्चन ITJ के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे. तो SN1 रिएक्शन जो होती है नॉर्मली क्या होता है कि आपका एक सबस्ट्रेट होता है, उस पर एक न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है, देन इट फॉर्म प्रोडक्ट प्लस लिविंग. ये आपकी रिएक्शन होती है एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की. इसमें जो आपका दो स्टेप में होती है SN1 की, कि आपका RL होता है, ये R पॉजिटिव प्लस लिविंग ग्रुप बनाता है, ये आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है. ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है और आपका RNG बनाता है, ये आपका फास्ट स्टेप. इस वजह से जो इसकी केमिकल काइनेटिक्स है उसमें जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है इज इक्वल टू के इनटू सबस्ट्रेट आता है. दिस वन इज योर आपका सबस्ट्रेट आता है, इसमें आपका न्यूक्लियोफाइल नहीं आता. तो इसीलिए हम इसके SN1 का मतलब सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल ऑर्डर इज 1 बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जो रेट रेट ऑफ एक्सप्रेशन में या रेट ऑफ रिएक्शन में डिपेंड करता है वो केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है. और इस रिएक्शन में चाहे आपका न्यूक्लियोफाइल वीक हो या स्ट्रांग हो, इस बात से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है. तो यदि आप सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन डबल कर देंगे तो रेट आपका डबल हो जाएगा, सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन 4 times कर देंगे रेट आपका 4 times हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन डबल कर देंगे तो रेट पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा. यदि आप ग्राफ खींचे, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन
यहाँ पे सब स्ट्रेट ले रहे, ये आपका इस तरीके का आएगा, यहाँ पे dx बाय dt ले रहे, और यहाँ पर जो है आप न्यूक्लियोफाइल ले रहे। तो हर रिएक्शन में आपकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो इसमें भी आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए टर्शियरी हैलाइड ले लिया, प्लस एक्वस क्यूएस, ठीक, इसमें कोई कायरलिटी नहीं है, प्रोडक्ट आपका फर्स्ट स्टेप में बन गया। पर OH नेगेटिव आयन ने अटैक करा तो आपका न्यूक्लियोफाइल के रूप में, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी। लेकिन यदि आपका मान लीजिए ये कंपाउंड है, सेम कंडीशन में हम रिएक्शन करा रहे हैं वाटर, ठीक है, सॉल्वेंट के रूप में है आपका, तो अब यहां पे काइनल कार्बन है, ठीक है, काइनल कार्बन में आपका डी भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, कुछ भी हो, या आर एस आप इसका कंफिगरेशन बना लेंगे जो भी है, तो प्रोडक्ट का क्या हो, ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। तो उसमें यहां पर क्या होता है रेसिमाइजेशन, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसमें डी फॉर्म भी बनेगी और एल फॉर्म भी बनेगी, ठीक है। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन ये होता है कि भाई इससे आपका पहले तो ये कैटायन बनता है, ठीक है, अटैकिंग रीजन जो OH नेगेटिव है वो इधर से भी अटैक करता है और इधर से भी अटैक करता है, दोनों तरीके से अटैक करता है, तो आपकी दोनों पॉसिबिलिटी होती है प्रोडक्ट बनने की, एक तो ये भी रहती है, दूसरी ठीक है, तो आपका प्लस और माइनस फॉर्म दोनों फॉर्म बन जाते, लेकिन 100% रेसिमाइजेशन नहीं होता, ठीक है, आपका इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, ये है, ठीक, और आपका जो सेम रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट है वो कम बनता है। उसका रीजन ये होता है कि नेगेटिव आयन जो होता है वो सॉल्यूशन में रहता ही है, और जो उधर से आने वाला आयन होता है उसको रिपेल करता है, तो इसीलिए आपका यहाँ पर रेसिमाइजेशन में जो है 100% नहीं होता, कुछ कम होता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा होता है और आपका रिटेंशन प्रोडक्ट कम होता है, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है आपका कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन, सेकंड जो है रेसिमाइजेशन, ठीक है, जहां भी रेसिमाइजेशन आपको प्रोडक्ट्स में दिखाई दे तो, और सब्स्टिट्यूशन, तो आपका मान लीजिए भाई ये प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है, इथेनॉल से आप रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, तो ये आपका जो है आयन काम करेगा, तो इस जहां भी आपका कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बोकैटायन में आपको रिएजमेंट की पॉसिबिलिटी देखनी होगी, तो आपका ये पॉसिबल होगा प्रोडक्ट, अब ये जो है इसमें 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, ये मिथाइल आपका यहां पर शिफ्ट कर गया,
ठीक है, अब इस पर जो है आपका मोर स्टेबल है, दिस इज लेस स्टेबल है, तो आपका नीचे बनेगा और इसने रिएक्ट करा, ये आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको इसमें रीअरेंजमेंट के यदि कार्बन कटायन बनता है तो उसकी पॉसिबिलिटी का, तो ब्रिज हेड कार्बन पर आपका यदि हम एक्वस QH के साथ रिएक्शन कराएं तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ठीक है, यहां पे नो रिएक्शन, क्योंकि इससे जो आप कार्बन कैटायन बनाएंगे वो बहुत ही अनस्टेबल होगा, उसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा, तो आपका जो है ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं। These are the factors affecting SN1 reaction. First है effect of substrate structure. Substrate का क्या अपना structure होगा. Second है unsaturation at the alpha carbon. Third है आपका unsaturation at beta carbon. Presence of hetero atom at the alpha carbon. और fifth है presence of carbonyl group at beta carbon. और sixth है solvent effect. Seventh leaving group effect. And effect of attacking nucleophile. तो इन सबको हमारे को डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन उठता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स जो हैं ये आपका सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर किस तरीके से आपकी रिएक्टिविटी को इफेक्ट करता है, और इसमें एक क्वेश्चन हमने पूछा कि SN1 के लिए कौन सा सबसे ज्यादा जो है अच्छा रिएक्टिव रहेगा सबस्ट्रेट, ठीक है, तो आप प्ले को वीडियो को पॉज करके इन सबके बारे में सोचिए, ठीक है, अपना आंसर बनाइए, ठीक है, फिर चेक करिएगा। तो आप SN1 रिएक्शन देखेंगे कार्बो कैटायन बनता है, ये आप मतलब एराइल रेडियल बेंजीन में, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि सबसे ज्यादा रेजोनेंस होगी, उसके बाद इसमें फिर आपका ये, फिर ये इससे ज्यादा, फिर ये इससे ज्यादा, तो दैट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। और इस क्वेश्चन में आप देखिए कि भाई ये जो आपका Br है इसकी जगह आपको क्या बन जाना है, कार्बो कैटायन बन जाना है, ठीक है ना, ठीक है, तो आपने जो है यार कार्बो कैटायन बना। अब ये देखना है कि भाई इनमें ज्यादा स्टेबल कार्बन कैटायन कौन सा होगा, तो ये आपके कैसे कैसे इफेक्ट शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में भी देखा होगा आपने, और आपका रेजोनेंस वगैरह इफेक्ट्स में भी देखा होगा कि ये जो है आपका माइनस आई प्लस आर शो करता, प्लस आर बहुत ज्यादा शो करता है, ये माइनस आई माइनस आर, ये माइनस आई माइनस आर, प्लस आई प्लस आर, लेकिन नेट इफेक्ट प्लस आर का इसमें बहुत ज्यादा होता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा इनको तो आपका करंट नेगेटिव प्लस चार्ज बहुत कम होगा, तो दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव, दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो इसमें ए मोर रिएक्टिव होगा, देन आपका फिर डी होगा, देन आपका NO2 में ज्यादा होगा माइनस आर इफेक्ट, CN में कम कंपेरेटिवली, तो देन आपका सी और देन पी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो आपका अनसैचुरेशन एट द अल्फा कार्बन इन द सबस्ट्रेट, तो इसका एग्जांपल देखिए, जैसे ये है, ठीक है, तो अनसैचुरेशन ये आपका अल्फा कार्बन आ गया, ये फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज अल्फा, इसका नाम क्या है विनाइल क्लोराइड, पीवीसी विनाइल कार्बन,
तो ये जो है यदि इस तरह कंडीशन होती है तो हाईली अनफेवर्ड SN1 रिएक्शन, तो ये आपके SN1 रिएक्शन को हाईली अनफेवर्ड करेगा। उसका रीजन क्या है कि भाई इसके पास लोन पेयर है, ये यहां डोनेट करेगा आपका, ठीक है, और ये यहां शिफ्ट कर जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, तो इसमें कुछ पार्शियल करेक्टर आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी ये आपका डोनेट करेगा, ठीक है, ये यहां शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है, पूरे रिंग के अंदर, ठीक, और नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है, आगे डीलोकलाइजेशन वगैरह। तो रेजोनेंस की वजह से यहां पर आपका पार्शियली डबल बॉन्ड कनेक्ट होगा, यहां पे बॉन्ड लेंथ कम होगी, ठीक है, तो इसको तोड़ना आपको मुश्किल पड़ेगा। इसलिए यहां पे जो कार्बो आपका किटाइन है वो नहीं बन, आपका बीटा कार्बन के लिए यदि आपका अनसैचुरेशन है तो क्या होगा, जैसे आपके दो एग्जांपल ये देख लेते हैं हम लोग, यहां पर ये कार्बन आपका अल्फा है और ये बीटा है, बीटा पे अनसैचुरेशन, ये अल्फा है ये बीटा है, यहां पे अनसैचुरेशन, तो ये जो है आपके हाई फेवर करेंगे, ठीक है, गुड सबस्ट्रेट की तरह SN1 रिएक्शन के लिए आपके बहुत अच्छे सबस्ट्रेट रहेंगे। उसका रीजन ये है कि ये यहां पर क्या है कि रेजोनेंस हो जाएगी, जो कार्बो कैटायन है ये मोल स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना, रेजोनेंस की वजह से हाईली स्टेबल हो जाएंगे, और ये भी आपका इसी तरीके से शो करेगा, या आप SN1 में बाद ये रेजोनेंस दिखाएगा, तो कार्बो कैटायन आपका मोर स्टेबल होगा तो मोर रिएक्टिव होगा, तो आपका जो हेटेरो एटम की प्रेजेंस है वो कैसा रोल प्ले करेगी, ठीक है, अल्फा कार्बन पे मान लीजिए CH3 दिया है, तो ये इस तरीके की जो कंडीशन होगी वो हाईली फेवर्ड है। का रीजन क्या है, ये आपका कार्बो कैटायन बनेगा फर्स्ट स्टेप में, ये आपका लोन पेयर गया इसके पास, ये इससे रेजोनेंस दिखाएगा, ठीक है, और ये आपका हाईली अनस्टेबल होगा, कार्बो कैटायन आपका मोर स्टेबल बन जाएगा, मोर स्टेबल बन जाएगा तो इसका मतलब मोर रिएक्टिव बन जाएगा, तो प्रेजेंस ऑफ हेटेरो एटम एट अल्फा कार्बन
तो यदि बीटा पोजीशन पर कार्बोनिल ग्रुप है तो क्या होगा? दैट विल बी हाईली अनफेवर्ड। ठीक है, हाईली अनफेवर्ड करेगी रिएक्शन को। उसका रीजन यह है कि जो आपका कार्बोकेटाइन बनाएंगे आप, ये कार्बोनिल ग्रुप माइनस आई फैक्शन करेगा, इसको अनस्टेबल बना देगा, सॉरी इसको आपका अनस्टेबल बना देगा कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसकी वजह से ये तो SN1 रिएक्शन को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करते हैं। जैसे आपका वाटर है, एल्कोहल है, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, एक्सेट्रा। ठीक है, पोलर भी हो प्रोटिक भी, क्योंकि होता क्या है कि ये कार्बोकैटायन के साथ बॉन्डिंग करके इनको स्टेबल बना देते हैं, और आयन आपका स्टेबल होगा तो मोर रिएक्टिव रहेगा। और लिविंग ग्रुप का आपका जो इम्पैक्ट है, जो सेवंथ है लिविंग ग्रुप का इम्पैक्ट, उसको हम डिस्कस करेंगे कि लिविंग ग्रुप जो होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप आपका SN1 रिएक्शंस को फेवर करता है। ठीक है, और SN2 को भी सेम तरीके फेवर करता है, और यदि आपका पुअर लिविंग ग्रुप है तो उसको हम अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उससे कन्वर्ट कर लेते हैं। OH है पुअर लिविंग ग्रुप है, और इसको हम प्रोटोनेशन करके गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है, या तो साइड से भी कर लेते हैं पिरिडीन की प्रेजेंस में। ठीक है, ये आपको और ये रिएक्शन देते हैं, और आयोडीन इज गुड लिविंग ग्रुप, देन फ्लोरीन इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये होता है आपका। और न्यूक्लियोफाइल्स का जो लास्ट फैक्टर है उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता है, रिएक्शन में बहुत अच्छे से रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट ही नहीं होते, कार्बोकैटायन बनता है उससे न्यूक्लियोफाइल। तो आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव डी एंड एल फॉर्म इन द SN1 रिएक्शन, इनमें से डी एंड एल फॉर्म कौन सा कंपाउंड देगा? तो आप इसमें देखिए कि भाई काली कार्बन किसमें, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, दोनों ग्रुप से आ रहे हैं, इसमें है। ठीक है, इसमें काइल कार्बन है, इसलिए सी इज योर आंसर, ये आपके डी और एल दोनों फॉर्म देगा, इनमें जो है आपका डी और एल फॉर्म बाकी फॉर्म्स में नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव यू रीएनएन प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें आपका रीएनएन प्रोडक्ट कौन सा देगा? तो यदि आप इस पर ध्यान करें कार्बोकैटायन पर, ये बनेगा, इसमें 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दें, हाइड्राइड शिफ्ट में एक एच नेगेटिव यहां चला जाता है, इस पर पॉजिटिव बचेगा, ये मोर स्टेबल है, ये आपका प्राइमरी था और यहां पर ये टर्शियरी बन गया, तो इसलिए ये आपका रीएनएन प्रोडक्ट देगा। यहां पर आपका टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा, कोई भी अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, यहां भी टर्शियरी है, उसमें मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ए इज योर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव SN1 रिएक्शन, इनमें से कौन सा SN1 रिएक्शन नहीं देगा। तो मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि भाई जो बीटा पोजिशन में जब भी कार्बोनिल ग्रुप होगा तो आपका जो SN1 रिएक्शन नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए सी इज योर आंसर।